रामचरित मानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, हमारे देश को समाज को नफरत में बांटती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूँ आपके साथ ज्योति शर्मा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के एक विवादित बयान ने बवाल काट रखा है, क्योंकि उनका ये बयान धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए धार्मिक गुरुओं और संतों में खासा नाराजगी है। दरअसल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान रामचरितमानस को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों ने समाज में जातिवाद का जहर फैलाया है। उनका कहना है कि एक युग में मनुस्मृति ने जहर फैलाया, उसके बाद रामचरितमानस ने जहर फैलाया है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। इसके बाद गोवलकर के बंच ऑफ थॉट्स ने यही काम किया, साथ ही उन्होंने रामायण की एक चौपाई अधम जाति में विद्या पाए भयहु यथा ही दूध पिलाए का जिक्र करते हुए भी उससे आपत्ति जताई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। उनके इस बयान को लेकर अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य भड़क गए और उन्होंने शिक्षा मंत्री के जीभ काटने पर इनाम तक की घोषणा कर दी। शिक्षा मंत्री कार्यक्रम से निकलकर मीडिया के सामने भी अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में पहले मनुस्मृति ने समाज में नफरत का बीज बोया, फिर उसके बाद रामचरितमानस ने समाज में नफरत पैदा की। आज के समय में गुरु गोवलकर का विचार समाज में नफरत फैला रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसलिए जलाया था क्योंकि वह दलितों और वंचितों के हक को छीनने की बातें करता था। रामचरितमानस में ऐसे कई छंद हैं जो समाज में नफरत पैदा करते हैं। इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। शिक्षा मंत्री ने NOU के कार्यक्रम में हजारों छात्र छात्राओं से जाति का बंधन तोड़ने की अपील की। कहा कि किसी से जाति न पूछो और न किसी का जाति पता लगाने की कोशिश करो, ना ही अपनी जाति किसी को बताओ, अपना व्यक्तित्व काफी है अपनी पहचान के लिए। उन्होंने कहा कि वह अपने नाम चंद्रशेखर के आगे पीछे कोई टाइटल नहीं लगाते ताकि उनकी जाति का पता ना चले। आप पढ़े हैं, आप उच्चतम डिग्री हासिल करेंगे, बहुत लोग उच्चतम डिग्री लेकर के यहाँ 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 आज गोल्ड मेडल लिए हैं। आप अपना सभी लोग अपना सर्वस्व न्योछावर करके अपनी अच्छा अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके भारत भूमि को ताकत बढ़ाने में योगदान करेंगे। और ये जो जातियों के कारण विसंगतियां हैं भारत में, 6,743 जातियां हैं। ऐसे में जब मीडिया ने सवाल किया कि सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, इसमें क्या वह अपनी जाति बताएंगे, साथ ही मैं आप जाति का बंधन तोड़ने की बात करते हैं, उधर बिहार के शिक्षक लोगों से जाति पूछते चल रहे हैं।
इस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि समाज में वंचित तबके के बहुसंख्यक लोगों को काफी दबा कर रखा गया है, ऐसे में जातिगत गणना कराकर उन्हें उनका उचित सम्मान देने का सरकार काम करेगी।